पासवर्ड में आपका स्वागत है। मैं आपके अपना महेंद्र कुमार गौतम कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद जालौन के माधोगढ़ नगर पंचायत के मालवी नगर में, जहां लोग किल्लत की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। थोड़ी सी बारिश होने की वजह से रास्तों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से वह दलदल में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ के लोगों को निकलने में भारी परेशानी है। यहाँ ना तो रास्ता बनाया गया, ना कोई व्यवस्था की गई। ये नगर पंचायत माधोगढ़ है, जहाँ के बासिंदों को परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। ये जो रास्ता है, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये रास्ता देख सकते हैं पूरा कच्चा पड़ा हुआ है। यहाँ जो लोग हैं वो ज़िंदगी जो जी रहे हैं वो किल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं पढ़ने के लिए, उनकी समस्याएं यहाँ बढ़ती हैं और यहाँ वो गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, उनकी ड्रेसें भी गंदी हो जाती हैं, उनकी किताबें भी भीग जाती हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ के लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। मैं उनसे पूछूँगा क्या ज़िंदगी है आप लोगों की, कैसे इस ज़िंदगी में जी रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिवपाल सिंह। अच्छा, क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या ये है कि बच्चे जाते स्कूल निकल नहीं पाते हैं, बच्चा ख़राब हो जाते हैं, ड्रेस ख़राब हो जाती है, निकलने की कोई रास्ता ही नहीं है जी। तो आपने किसी अधिकारी को कहा है? आपने तो कई बार आए कहा है, लेकिन वो सुनाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। देखिए, ये बुज़ुर्ग थे, मैं और युवाओं से भी बात करना चाहूँगा, मैं उनसे बात करना चाहूँगा, पूछूँगा क्या ज़िंदगी है आप लोगों की जो इस नर्क भरी ज़िंदगी में जी रहे हैं। सर, इस रास्ते में बहुत दिक्कत आती है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो इसमें ड्रेस गंदी हो जाती है और निकलने में परेशानी, और हमारे लोग भी निकलते हैं, सारे लोग यहाँ से, परेशानी बहुत हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है इधर पर। अच्छा, कितने लोग यहाँ रहते हैं लगभग में? वो 20-25 घर हैं सर, ज़्यादा हैं वो। अच्छा, यहाँ पर निकलने का बहुत रास्ता ख़राब है। नगर अध्यक्ष से नहीं कहा आपने? खूब सुनवाई की सर। क्या नाम है उनका? उनका नाम है सर राघवन व्यास। अच्छा, आते नहीं है वो कभी इस वार्ड में? नहीं आते हैं सर। अच्छा, वार्ड नंबर क्यों नहीं आते, क्या वजह है? सर पता नहीं, आते ही नहीं, इधर सुनवाई भी नहीं है इधर पे कोई। अच्छा, हाँ सर। देखिए, ये दास्तान, दुख भरी दास्तान है नगर के लोगों की, जहाँ उनकी समस्याएं हैं वहाँ अभी तक नगर अध्यक्ष की यहाँ तक आने की हिम्मत नहीं हुई है। यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त होती दिखाई दे रही हैं। मैं कुछ देर बाद बात करूंगा यहाँ के सभासद से। जी, मेरा नाम है अरविंद सिंह सेंगर और सभासद हूँ इस वार्ड का और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का मेंबर हूँ। अच्छा, यहाँ जो समस्याएं हैं, क्या इससे अवगत नहीं थे आप या फिर कोई किसी अधिकारी? मैं इस समस्या से भली बात अवगत हूँ, मैं जब से जीता हूँ चुनाव तब से लेकर आज तक कंटिन्यू इस बात को उठा रहा हूँ। यद्यपि नगर पंचायत अध्यक्ष जो बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर नगर विकास के बड़े बड़े वादे और जनता को आश्वासन देते हैं, उन आश्वासन का कोरा नुमाइंदा आप यहाँ देख रहे होंगे। धरातल पर कोई काम नहीं किया, शून्य है वो आदमी। नगर विकास के लिए उन्होंने कोई, वार्ड नंबर दो के लिए तो बहुत ही सौतेला व्यवहार है उनका, और मुझे लगता है कि वार्ड नंबर दो से ज़्यादा किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं हो रहा इस वक्त नगर पंचायत के अंदर। अच्छा, कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? कम से कम 30-40 परिवार रहते हैं और बहुत ही दयनीय स्थिति में जीने को मजबूर हैं। और वार्ड नंबर दो में केवल यही एक गली नहीं है, आप जिस गली में देख चले जाएंगे बहुत ही दयनीय स्थिति में लोग रह रहे हैं। मैं इस बात को लेकर यहाँ माननीय जिला उपजिलाधिकारी से और जिलाधिकारी जी से या अन्य सभी स्तरों पर बात रख चुका हूँ। अब केवल हमारे नगर के और वार्ड के लोगों का सबका बांध टूटने वाला है, और जिस दिन बांध टूट गया उस दिन नगर पंचायत अध्यक्ष जी को झेलना मुश्किल पड़ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये समझ जाएं, अभी भी समझ जाएं, नहीं तो बहुत बुरा होगा इस नगर पंचायत। कितने वर्ष हो गए नगर इस, मतलब कितने वर्ष हो गए नगर अध्यक्ष को बने हुए? नगर अध्यक्ष को बने हुए समथिंग 1-2 माह से ऊपर हो गया है, और ये कोई छोटा समय नहीं होता काम कराने के लिए। जब आप नगर में अन्य जगहों पर सड़कें डलवा रहे हैं तो वार्ड नंबर 2 के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। यह मुख्य मार्ग है जिस सिहारी रोड से चितौरा रोड तक, इस मार्ग पर भी बहुत हजारों लोग रोज गुजरते हैं, इसमें क्या कहेंगे? नगर के वार्ड नंबर 2 से जुड़ा हुआ जो भी मार्ग है, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ समस्त पत्रकार भाइयों के माध्यम से, उसकी नगर पंचायत माधोगढ़ वार्ड नंबर 2 के प्रति बहुत ही संवेदनहीन है, और खासकर नगर पंचायत अध्यक्ष। अच्छा, क्यों है? उसका कारण उनको ये लगता है कि वार्ड नंबर 2 से शायद उनको वोट नहीं मिले। मैं चाहता हूँ कि ये राजनीति वोट से ऊपर बढ़ के होनी चाहिए, दलों की राजनीति होनी चाहिए, दलों की राजनीति नहीं होनी चाहिए।